119 दिनों तक गुरु की उल्टी गति, 4 फरवरी तक किन के वारे न्यारे, किन 5 राशियों को 5 बड़ी चीजें मिलेंगी, वक्री गुरु पर आचार्य मयंक शर्मा जी की 5 बड़ी भविष्यवाणियां देखें सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ मौजूद है, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रहचार की दुनिया में आप भी जानते हैं कि 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं, यानी कि अब उन्होंने उल्टी गति से चलना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि 119 दिनों तक वो वक्री रहेंगे और अपनी इसी वक्री चाल में, जो कि वो वृषभ राशि में रहेंगे, तो कौन सी ऐसी 5 चुनिंदा राशियां हैं जिन्हें वो 5 चीजें देकर जाएंगे गुरु कृपा से? क्या आपकी भी राशि इस लिस्ट में आती है जिसमें आपको 5 चीजें वक्री गुरु अपनी इस उल्टी गति में देंगे? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका ये जानना भी जरूरी है, मयंक जी से आपका ये जानना बनता है कि गुरु की वक्री गति से क्या हमें डरना चाहिए? जब गुरु अगर उल्टी चाल से चल रहे हैं तो ये शुभ है या फिर अशुभ है, बताएं। बिल्कुल कविता जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। अधिकतर लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि वक्री का मतलब है क्या, लोगों को समझ नहीं आता है। वक्री मतलब कि रिवर्स, यानी कि उल्टी चाल। अब देखिए, मैं आपको पहले इस टॉपिक पर आऊं कि बृहस्पति वक्री क्या फल देंगे, उससे पहले बता देता हूं कि वक्री कौन कौन से ग्रह होते हैं और कौन से ग्रह कभी वक्री गति से नहीं चलते हैं। देखिए, ज्योतिष में राहु केतु हमेशा वक्री गति से चलते हैं, यानी कि वो हमेशा ही उल्टी चाल चलते हैं, अपनी पिछली राशि में जाते हैं। और इसी तरीके से सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं, ये हमेशा मार्गी गति से चलते हैं। अब बचा मंगल और शनि, ये दो ग्रह समय समय पर वक्री होते हैं और शनि तो हर वर्ष वक्री होते हैं और अभी भी वक्री अवस्था में है। कहते हैं ज्योतिष में कि मंगल और शनि की वक्री चाल शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये दोनों ही पापी ग्रह हैं और जब ये वक्री गति से चलते हैं तो नुकसान जो है ना, वो धीरे 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 बड़ा नुकसान करते हैं जी। इसलिए ज्योतिष में शनि की और मंगल की वक्री जो चाल है उसको शुभ नहीं माना गया है। कहते हैं कि शनि वक्री हो गए हैं तो अनिष्ट होगा, परेशानी होगी, दिक्कतें होगी, उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं आएंगे जी। अब लेकिन जो शुभ ग्रह हैं, जैसे बुध हो गए हैं, शुक्र हो गए हैं, बृहस्पति हो गए हैं, अगर ये वक्री होते हैं तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। और इन तीनों ग्रहों का वक्री होना, यानी कि जब ये उल्टी गति से चलेंगे तो जिन राशियों में शुभ भाव में बैठे हैं उनमें शुभ भाव के शुभ फल बढ़ा देंगे। और ये समझिए कि धीरे 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 आपको बढ़ोतरी करते रहेंगे और धन लाभ देंगे, मान प्रतिष्ठा देंगे, सुख समृद्धि देंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, विवाह भी करवा देंगे, यानी कि धीरे धीरे चलेंगे, लाभ ज्यादा देंगे, ये समझिए आप। तो ये वक्री गति का फायदा मिलता है। लेकिन ज्योतिषी क्या गलती कर देते हैं, या बहुत से ज्योतिषी ऐसी बात फैला रहे हैं कि वक्री बृहस्पति कई राशियों के लिए बहुत भारी पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है जी, वक्री जो बृहस्पति है उन्हीं राशियों को परेशानी पैदा करते हैं जिनके ये छठे, आठवें या बारहवें भाव में हो, क्योंकि ये भाव नेष्ट के हैं, अनिष्ट के हैं, रोग ऋण शत्रु बीमारी मृत्यु तुल्य कष्ट खर्च हानि असंतोष शारीरिक पीड़ा, इन भावों में जब बृहस्पति वक्री गति से चलते हैं तो धीरे धीरे बीमारी बढ़ाएंगे, धीरे धीरे कर्ज बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में, गोचर में, आपकी राशि में और बृहस्पति अगर शुभ स्थान में बैठे और वक्री हो गए तो कविता जी ये मार्गी गति से भी ज्यादा लाभ देते हैं वक्री जी। तो ये है समझने की बात। तो इसलिए आप अपने मन से भ्रांति निकाल दीजिए कि गुरु वक्री हो गए हैं, अब क्या अनिष्ट हो रहा है, क्या परेशानियां होंगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि भाई ये जो 5 राशियां हैं जी, इन 5 राशियों को क्या 5 चीजें इस वक्री बृहस्पति देने वाले हैं और खुल कर देंगे। यानी कि कहते हैं ना कि जब कम समय में कविता जी पैसा बहुत मिल जाता है तो व्यक्ति कितना खुश होता है। बिल्कुल। तो ये जो पीरियड है 9 अक्टूबर से जो शुरू हुआ है और 4 फरवरी तक का समय जो है, 119 दिन जो है, इस छोटे से समय में आपको बहुत ज्यादा कुछ देव गुरु बृहस्पति देकर जाने वाले हैं। तो देखिए, इसी गोल्डन पीरियड में वो कौन सी 5 चीजें हैं जो देवगुरु बृहस्पति आपकी झोली में डालेंगे खुशियों के स्वरूप, आइए उन 5 राशियों में क्या आपकी राशि भी है, आइए जानने के लिए यही जानने के लिए आप धर्म ज्ञान से बने रहिए। अब बात करते हैं उन 5 चुनिंदा राशियों के बारे में। तो मयंक जी, आपकी ज्योतिष गणना के हिसाब से पहले नंबर पर कौन सी राशि को आप रख रहे हैं? देखिए कविता जी, मैं लॉजिक के अकॉर्डिंग दर्शकों को समझाऊंगा क्यों मैं कह रहा हूँ ये 5 राशियों को ज्यादा लाभ मिलेगा। तो समझ जाइए कि पहली राशि मेष राशि है
मेष राशि में क्यों उठाई है हमने कि देखिए अभी सेकंड हाउस में बृहस्पति चल रहे हैं और गोचर में बृहस्पति दूसरे पांचवे सातवे नौवे और ग्यारहवे भाव में अगर वक्री हो जाए तो मार्गी से भी चार गुना ज्यादा लाभ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या लाभ मिलेगा मेष राशि वालों को, भाई कुटुंब का पूर्ण सहयोग मिलेगा, आपका धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे, नए काम कारोबार की शुरुआत होगी, ये सबसे अच्छी बात रहेगी और पैसा काफी आएगा। जो आपके शत्रु बाधा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे वो सब चीजें अब दूर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सभी तरीके सुखों की प्राप्ति होती भी नजर आ रही है, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इस समय पे अब आप देखेंगे कि शनि अभी वक्री है, ये भी आपके लिए लाभकारी और गुरु वक्री हो गए हैं तो अब आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो आप काम की शुरुआत इस समय करना चाहते हैं, अगर आपकी चंद्रमा की राशि चंद्र राशि मेष है तो मान लीजिए कि ये समय आपके लिए एक अच्छे समय की शुरुआत होगी। इनके लिए पांच चीजें जैसे मैंने बोला कि भाई इनका धन धान्य से परिपूर्ण धन लाभ, नौकरी में तरक्की, दो व्यापार में तरक्की, नए काम की शुरुआत करनी है तो बहुत अच्छी है, और संतान सुख की प्राप्ति इस समय पे होगी। अगर आप कंसीव, हाँ अगर आप कंसीव भी करना चाहते हैं, बहुत से लोग जो अगर सोच रहे हैं प्लानिंग करने की, तो वही ये समय बहुत ही शानदार है, फायदा उठाइए। चलिए मेष राशि के लिए आपकी बात गुरु उनकी ये वक्री चार आपको कौन सी पांच चीजें देकर जा रही है, तो मैं जिसे जान लिया। अब आइए इसी कड़ी में हम दूसरे नंबर की राशि के बारे में जानेंगे, बताएं। देखिए दूसरे नंबर की राशि कविता जी मेरे हिसाब से जो मैं उठा रहा हूँ वो है कर्क राशि। अब कर्क राशि का क्यों हमने जिक्र किया, आप लोग कहेंगे कर्क राशि में शनि की ढैया भी चल रही है जी, और शनि वक्री तो और भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो यही इनके लिए बहुत बड़ी राहत है कि ग्यारहवें भाव में बृहस्पति वक्री हो गए हैं, शनि के अशुभ प्रभाव को कम कर देंगे ये। दूसरा बात है लाभ स्थान में अगर बृहस्पति वक्री होते हैं तो पहला लाभ क्या मिलेगा कविता जी, अभी तक अगर आप सपोज महीने में 2 लाख 3 लाख कमा रहे थे या 50,000 कमा रहे थे अपनी हैसियत के अनुसार जो भी आप काम करते हैं, या करोड़ों कमा रहे थे, तो वो लाभ आपको 3 गुना बढ़ सकता है जी। यानी कि अगर आप व्यापारी हैं खासकर तो आपको अचानक से धन लाभ मिलेगा, अचानक से मान प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर आपके घर गाड़ी नहीं है, वाहन नहीं, या आपका घर नहीं बुक हो रहा था, तो वो आपके साधन बन जाएंगे। तीसरी बात ये कि विवाह के पूर्ण योग बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ। चौथा, अगर आप वैवाहिक सुख भोग रहे हैं और आप काफी लंबे समय से परेशान थे कि भाई संतान नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ संतान प्राप्ति के योग भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे योग बना रहे हैं, आपके संतान की तरक्की भी हो रही है। तो कुल मिलाकर ये चीजें आपके लिए सुख और सौभाग्य की वृद्धि कर रहे हैं, और शनि का जो अशुभ प्रभाव जो बढ़ रहा था, जो समस्याएं बढ़ रही थी, अब गुरुदेव बृहस्पति जो है उसको कम करेंगे, क्योंकि उनके शुभ फल इतने बढ़ रहे हैं कि वो शनि पे भारी रहेंगे। चलिए अब तक आपने देखिए शुरुआत में आपने मेष राशि को लिया, फिर लिया आपने कर्क को, तीसरे नंबर पर आप किस राशि को देख रहे हैं? देखिए कविता जी तीसरे नंबर पर जो राशि है जिसको इस समय सबसे ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है सिंह राशि है, क्योंकि दशम भाव में वैसे तो गुरुदेव बृहस्पति जो है इतना अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन जब वक्री होते हैं तो वो 2 गुना लाभ दे देते हैं। तो यहाँ आपको राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद की प्राप्ति होगी, पहला लाभ। दूसरा लाभ, सुख साधन बढ़ेंगे, जैसे कि गाड़ी लेनी है, घर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेनी है, तो ये अच्छा योग बन रहा है, 2 लाभ मिल रहे हैं। तीसरा लाभ ये है कि आपका प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं, नई नौकरी के योग बन रहे हैं, धन लाभ मिलेगा, इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा, तीसरा लाभ बढ़ा है। चौथा लाभ ये आपको मिलेगा कि विदेश जाने का मौका आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपका मन प्रसन्न रहेगा, विदेशों से धन लाभ मिलेगा, जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारी हैं उनको लाभ मिलेगा। पांचवा लाभ, जो लोग पत्रकार हैं, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, या राइटर पोएट हैं, फिलोसफर हैं, ज्योतिषी हैं, या आप टैरो कार्ड करते हैं, धर्मगुरु हैं, तो ये समय आपके लिए यश कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सिंह राशि वालों आपके लिए भी ये एक शुभ संकेत है, गुरुदेव का वक्री होना, 4 फरवरी तक पूरा लाभ उठा लीजिए। चलिए तो 4 फरवरी तक इन 5 चीजों का लाभ, अब कौन सी अगली राशि उठाएगी वो भी जान लेते हैं। देखिए अगली राशि है मेरे हिसाब से कविता जी जिसको बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलेगा, वो है वृश्चिक राशि, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में और मधुरता आ जाएगी, कोई गलत फहमी चल रही थी वो दूर होगी, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले 2 चीज से बहुत परेशान है। मेरे पास फोनों की लाइन लगी हुई है वृश्चिक वालों की कि सर शत्रु बाधा नुकसान पहुंचा रहे हैं जी, पैसा आ नहीं रहा है और नौकरी या व्यापार में उतना धन लाभ नहीं हो रहा है। तो पहला बड़ा लाभ क्या है, आपको वैवाहिक
सुख भोगेंगे, यानी कि वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आप विवाहित हैं तो विवाह के योग बन रहे हैं। दूसरा लाभ है आपका, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मुकदमे आपके पक्ष में आएंगे और खर्चे भी आपके कम हो जाएंगे, खासकर बीमारी पे। तीसरा बड़ा लाभ है कि आपको काम कारोबार में 2-3 गुना बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो भाई अपने काम पे थोड़ा ध्यान लगाइए, आलस्य को त्याग दीजिए, क्योंकि शनिदेव आलस्य दे रहे थे, गुरु आपको एक्टिव करेंगे, तो एक्टिव हो जाइए। एक पुखराज भी पहन सकते हैं इस समय पे लाभ उठाने के लिए। तो आपको धन लाभ मिलेगा, नए काम कारोबार की शुरुआत करनी है तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है, इसका फायदा उठा सकते हैं। और गुरुदेव बकरी होके आपको सांसारिक सुखों में वृद्धि करेंगे। पांचवा बड़ा लाभ जो है आपको, सबसे बड़ा जो मिलेगा, पहला सुख जो कहते हैं निरोगी काया, आपका शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। भाई आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा, खुश रहेंगे आप, तो जो नेगेटिविटी चल रही थी वो वृश्चिक राशि वालों की कविता जी दूर होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए इसी कड़ी में 4 नवंबर तक का जो समय है, इसी समय तक वो कौन सी पांचवी और अंतिम राशि है जिसकी लॉटरी लगने वाली है? देखिए पांचवी और अंतिम राशि है कविता जी मेरे हिसाब से मकर राशि। लोग कहेंगे सर 7.5 चल रही है, देखिए 7.5 का अशुभ प्रभाव खत्म हो चुका है, अब मकर से हट चुका है। मकर के अभी 29 मार्च तक आपके ऊपर 7.5 है, लेकिन शनि वक्री है तो ये आपको लाभ दे रहे हैं, तो इसलिए अब बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पंचम भाव में गुरु आपके वक्री हो गए, ये आपके लिए एक शुभ संकेत है जी। मकर राशि वाले जो जानना चाह रहे थे कि सर नए काम की शुरुआत करनी है तो कर लें क्या, देखिए इस समय कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा और आपको संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यानी कि पहला लाभ आपका व्यापार और नौकरी में, दोनों में धन लाभ मिलेगा, प्रमोशन होगा, नई नौकरी के योग बनेंगे, नया काम कारोबार चलेगा, स्टेबिलिटी आ रही है। अभी तक क्या था कि इस महीने बहुत अच्छा कमा रहे हैं, अगले महीने फिर शून्य हो रहे हैं जी। अब आप एक स्टेबल रूप से चलेंगे, नियमित ठोस आय आपकी होती रहेगी। राजनीति, कला, फिल्म जगत, पत्रकारिता, या अगर आप इंजीनियर हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, या आर्मी में है, पुलिस में है, खिलाड़ी है, तो इन लोगों के लिए भाई ये सितारे जो है ना, इनके बुलंदियों पर रहेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 4 फरवरी तक आप देखेंगे आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको अवार्ड मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी, ये दूसरा लाभ। तीसरा बड़ा लाभ जो लोग चाह रख रहे हैं संतान की, उनके घर में संतान प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, तीसरा बड़ा ये लाभ मिलेगा। या यूं कहें अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो उनका विवाह होने का योग मिलेगा। कुल मिलाकर संतान की भी तरक्की यहाँ पर आपको गुरुदेव बृहस्पति दे रहे हैं। चौथा लाभ आपको क्या मिलेगा कि आपके व्यापार में अधिक मात्रा में धन लाभ मिलेगा, यानी कि अभी तक आपका जो लाभ था थोड़ा थोड़ा मिल रहा था, अब बड़ा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। पांचवा जो छात्र है, जो छात्र शिक्षा परीक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, या अगर आपका कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू, कोई परीक्षा है इन 4 महीनों में, या पढ़ाई शुरुआत करना चाहते हैं, भैया मुझे पढ़ना है, आपकी चाहे कोई भी उम्र हो, तो ये आपके लिए शानदार समय है जी, इसका फायदा उठाइए, तो मकर राशि वालों को बड़ा जबरदस्त फायदा मिलेगा। तो ये 5 राशि और ये 5 लाभ है जो जबरदस्त हर तरीके से इन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, आप देख लीजिए। और ये राशिफल चंद्रमा के अनुसार देखें जी। बहुत से दर्शक कहते हैं कि आपकी राशिफल मिसमैच होती है हमारे साथ, तो देखिए अगर आप अपनी सही राशि देखेंगे, चंद्रमा की राशि, चंद्र राशि, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन जाएगी। अगर आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे, हमें फोन करके संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल आपको राशि भी बता दी जाएगी। बिल्कुल, तो ये हमने आज मयंक जी से जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से गुरु अपनी जो उल्टी गति से जिन्होंने अब चलना शुरू कर दिया है, इसी गति से वो 4 नवंबर तक इन 5 राशियों को 5 चीजें देकर जाएंगे, जिसकी गारंटी मयंक शर्मा पहले ही ले चुके हैं। उम्मीद करूंगी कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। दोनों को इजाजत दीजिए, नमस्कार।